अभी रिसेंटली काफ़ी ही ख़राब चीज़ हुई मेरे साथ। मैं इंडिया से आ रहा था एडिनबरा और बीच में दोहा पे लेओवर था कतर में, और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो थी एडिनबरा की वो मिस हो गई बिकॉज दिल्ली से जो फ़्लाइट चली थी वो एक घंटा डिले हो गई, और जो लेओवर टाइम था वो 1 घंटा 20 मिनट का था, और उसमें सिक्योरिटी चेक करना बोर्डिंग करना नहीं हो पाया। सिक्योरिटी चेक हो गया था लेकिन बोर्डिंग पे उन्होंने बोला गेट क्लोज हो गए हैं, और ऐसे करके लाइफ में मेरी पहली फ़्लाइट मिस हुई। बहुत ही ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन थी, काफ़ी सारे लोग सेम सिचुएशन में फंसे हुए थे, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरे को पता चला कि ऐसी चीज़ें ऑन अ डेली बेसिस बहुत लोगों के साथ होती हैं, सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो जाती है और आप किसी और कंट्री में फंस गए हो जो यूके भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, रात के 12:55 सुबह के 12:55 पे मैं दोहा में अपने बोर्डिंग गेट के पास गया, और 1:05 पे सुबह के फ़्लाइट को उड़ना था, लेकिन उन्होंने बोर्ड नहीं करने दिया मुझे। तो उन्होंने बोला कि आपको एक एयरपोर्ट का ऑफिस होता है जहाँ पे इन सब क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जाता है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो वो दोहा एयरपोर्ट पे गेट A1 के पास था, जहाँ पे जो फ़्लाइट डिलेज होते हैं, मिस्ड फ़्लाइट होती हैं, उनके पैसेंजर्स को बुलाया जाता है, उनकी क्वेरी रिजॉल्व करी जाती है। एंड वहाँ पे मैं गया एंड वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, और उनका बेसिकली प्रोसेस क्या था, जैसे कि मैं इंडिगो से दोहा तक आया था, दोहा से कतर के साथ आगे जाना था, तो वो क्या करते हैं, जिस भी एयरलाइन से आपकी फ़्लाइट मिस हुई है उनको ईमेल लिखेंगे, वो एयरलाइन आपको नया बोर्डिंग पास इशू करेगी किसी और फ़्लाइट का, एंड वो आपको बोर्डिंग पास देंगे एंड फिर आप दूसरी फ़्लाइट लोगे। लेकिन इस चीज़ में ही 2 घंटे लग गए, इंडिगो से कोई ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहा था, एंड 2 घंटे के बाद 2 लोग इंडिगो से आए, और ये मैं सुबह के 3 बज चुके थे और फ़्लाइट मिस हो चुकी थी और कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला। 2 लोग इंडिगो के आए, उन्होंने सबकी बात सुनी क्या हुआ, और उन्होंने बोला चलो हमारे पीछे आओ, हम आपका कुछ कराते हैं। और इसके बीच क्या हो रहा था कि एक बंदा मलेशिया से आ रहा था और उसको नाइजीरिया जाना था, और वो दोहा से नाइजीरिया की फ़्लाइट थी, और उसको नया बोर्डिंग पास दे दिया ये बोल के कि आप फ्रांस जाओ, फ्रांस से कनेक्टिंग फ़्लाइट किसी और कंट्री में पकड़ना और वहाँ से फिर नाइजीरिया जाना। और वो बंदा इतना गुस्से में था कि मैं नाइजीरिया जाना है, मुझे फ़्रांस क्यों भेज रहे हो। और ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको कोई फ़्लाइट ही मिल रही थी, तो उनका होटल बुक करा रहे थे, जबकि अगर आप इंडिया से आए हो तो आपको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए होता है। तो फिर उस प्रोसेस में वो इमिग्रेशन टीम को इन्वॉल्व करते हैं, आपका वीज़ा का कुछ करते हैं, फिर आपको वहाँ पे होटल में स्टे कराते हैं, फिर आपको दोबारा आना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मैसी सिचुएशन हो जाती है। खैर, हमारे साथ क्या हुआ, इंडिगो वाले लोग आए, हमें लेकर गए, एंड 1 घंटा और लगा एक जगह, हमें एयरपोर्ट में काफ़ी सारे लोग थे, 10-12 लोग थे, लेकर गए एंड वहाँ पे पूछते कि आपको कहाँ जाना है, हमने बोला एडिनबरा जाना है, तो उन्होंने अलग अलग ऑप्शंस देने स्टार्ट करे कि ये एक फ़्लाइट जा रही है इसमें 2 सीटें, ये फ़्लाइट जा रही है 3 सीटें, तो लिटरली उसमें लोग बोलने लगे हाँ हम इसमें चले जाएंगे। तो वो बोल रहा है कि अच्छा आपने पहले बोला तो आपको भेज रहे हैं, और हम सोच रहे हैं ये क्या सिस्टम हुआ भाई, ये फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हम तो ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, हमें क्या पता था कि जो पहले बोलेगा उसको फ़्लाइट कहीं की और की मिल जाएगी। तो खैर, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला कि सबसे आसान रहेगा आप दोहा से फ्रैंकफर्ट जर्मनी जाओ एंड वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके एडिनबरा जाओ। मैं किसी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में जानता हूँ जिनको फ्रैंकफर्ट में जाने के लिए ट्रांजिट वीज़ा चाहिए था, तो मैंने बोला कि मेरे को जर्मनी का रिस्क नहीं चाहिए, मेरे को यूके में भेज दो एंड वहाँ से कुछ भी करके मैं एडिनबरा चला जाऊँगा, बट मेरे को किसी और कंट्री में दोबारा नहीं फंसना है कि मैं सेम सिचुएशन में हूँ। और दूसरी जगह भी जो भेज रहे थे फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर भी बस 2 घंटे का ही लेओवर था, और मैंने सुना फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो मेरे को सेम सिचुएशन में नहीं फंसना था। तो मैंने बोला कि मेरे को आप हीथ्रो लंदन भेज दो एंड वहाँ से नेक्स्ट फ़्लाइट आप मुझे एडिनबरा की दिलवा देना। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट फ़्लाइट दी मेरे को हीथ्रो की सुबह 8:55 की। सो रात के सुबह के 1 बजे की मिस हुई फ़्लाइट से मैं वेट करके 7-8 घंटे में लंदन की फ़्लाइट पकड़ी, जबकि मेरे को एडिनबरा जाना था, एंड 7-8 घंटे लंदन में ट्रैवल करके मैं हीथ्रो में आया। अब प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने बोला था कि शायद आपके जो लगेज है वो एडिनबरा की फ़्लाइट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि आपके बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फ़्लाइट बुकिंग में। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब लगेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब लगेज का क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आप बैगेज रिक्लेम पे जाओ और वहाँ से कॉन्टैक्ट करना एंड फिर देखना। अब हमारे पास जो लंदन में फ़्लाइट लैंड हुई और एडिनबरा में जो फ़्लाइट चालू होनी थी उसमें 3-4 घंटे का लेओवर था,
एंड लंडन इमिग्रेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ कि हमारा एक घंटा तो वहीं निकल गया। वहाँ पे गए, फिर बैगेज रिक्लेम पे गए, वहाँ पे हमारा बैगेज था नहीं। फिर एक ऑफिस में गए, उसने बोला दूसरे के पास जाओ, दूसरे पे गए, उसने बोला आपका बैगेज टर्मिनल 5 पे चला गया, वहाँ पे जाके क्लेम करो ताकि वो एडिनबरा की फ़्लाइट में चढ़ जाए। फिर हम टर्मिनल 4 से ट्रेन पकड़ के टर्मिनल 2-3 पे गए एंड उसमें भी 15 मिनट लग गए। फिर टर्मिनल 2-3 से ट्रेन पकड़ के टर्मिनल 5 पे आए, उसमें भी 10 मिनट लग गए। एंड फिर हम अपना चेक इन कराने गए एंड वहाँ पे जाके हमें एक नया बोर्डिंग पास मिला एंड उन्होंने बताया कि हाँ आपका लगेज ट्रांसफ़र हो गया एडिनबरा की फ़्लाइट में, तो अब आप जब यहाँ से उड़ोगे एडिनबरा के लिए लंदन से तो आपका लगेज भी आपके साथ जाएगा और आप वहाँ से बैगेज रिक्लेम कर सकते हो एडिनबरा से। तो सबसे ज़्यादा चिंता मुझे बैगेज की ही थी एंड लेकिन वो चीज़ इवेंचुअली सॉल्व हो गई है। एंड इस टाइम मैं बाय द वे लंदन हीथ्रो में हूँ एंड अभी मैं एडिनबरा की फ़्लाइट लूँगा और वहाँ से मैं लगेज लूँगा। एंड लगेज अगर नहीं भी आता तो उन्होंने मेरे को अपनी स्क्रीन पर दिखा दिया था कि मेरे नीचे मेरे लगेज के नंबर्स लिखे हैं, उसके साइड में एडिनबरा लिखा है। तो अगर थोड़ा आगे पीछे भी हुआ तो आपका लगेज अगर आपकी फ़्लाइट के साथ नहीं आए तो आपके घर पर भी डिलीवर करा देते। पिछली बार मेरे दोस्त के साथ हुआ था कि उनका लगेज उनके साथ नहीं आया था, बाद में आया था और उन्होंने बोला मेरे घर भिजवा देना और उसी शाम घर आ गया था। तो थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है। लेकिन जो मेरी फ़्लाइट की ड्यूरेशन 13-14 घंटे होने वाली थी वो इनक्रीज़ हो गए 24 घंटे से ज़्यादा हो गई एंड इसमें इतने ज़्यादा धक्के खाए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब फ़्लाइट किसी की ना ही मिस हो मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मे बी आपकी एयरलाइंस पे डिपेंड करता हो कि कैसे वो ऑपरेट करते हैं। इंडिगो के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा एंड कतर ने भी इतना सब सफ़र करने के बाद हमें एक खाने का कूपन कोड दिया जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू 900 रुपीज़ थी, जिसमें आप दोहा एयरपोर्ट में कुछ ले भी नहीं सकते। अच्छा क्योंकि 900 रुपये में कुछ नहीं आता, उसमें भी अपने खुद के पैसे चिप इन करके कुछ खाना पड़ा। लाउंज के लिए भी धक्के खाने पड़े, लाउंज हमें चाहिए था क्योंकि हमें रेस्ट नहीं मिला था। लाउंज उन्होंने दिलवाया लेकिन उसके लिए भी एक लाउंज पे गए उन्होंने मना कर दिया, दूसरे पे गए उन्होंने मना कर दिया, तीसरे पे गए उन्होंने 15 मिनट बिठाया 20 मिनट बिठाया, फिर हमें एंट्री दी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो जाती है अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए। तो इसका इलाज क्या है? हो सके ना तो आप सीधा ट्रैवल करो यूके के थ्रू ही, कि आप सबसे पहले लंदन आओ एंड लंदन से कहीं भी आपको जाना है वहाँ जाओ। क्योंकि अगर आप लंदन में अटक भी गए, नेक्स्ट फ्लाइट मिस हो गई, तो आप एटलीस्ट यूके में हो, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हो, आप ट्रेन ले सकते हो, आप बस ले सकते हो, आप कुछ और कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोहा कतर में फंस गए या फ्रैंकफर्ट में फंस गए जहाँ पे आपके पास वीज़ा भी नहीं है, आप वहीं अटके रहोगे, पता नहीं जा तो आप सिर्फ फ़्लाइट से ही सकते हो, फ़्लाइट एक दिन बाद की हो, कुछ घंटे बाद की हो, किसी को कुछ नहीं पता। और जो दूसरा इसका इलाज है वो ये है कि जो आपका लेओवर टाइम होता है ना, प्लीज़ कोशिश करो कि 2.5 से 3 घंटे के लेओवर टाइम से कम में आप ट्रैवल ना करो। बिकॉज़ दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत बार होता है कंजेशन होता है एयरपोर्ट पे, फ़्लाइट का बोर्डिंग टाइम हो जाता है, आप फ़्लाइट में बैठे हुए हो, फ़्लाइट चल नहीं रही है, एक घंटा हो गया क्योंकि बाकी प्लेन्स की बारी नहीं आई एंड इस चक्कर में आपका नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ने का टाइम बहुत कम हो जाता है। तो एटलीस्ट 2.5-3 घंटे के लेओवर टाइम के साथ आप फ़्लाइट टिकट्स बुक करा करो, चाहे आप यूके के थ्रू कर रहे हो या फिर और किसी कंट्री के थ्रू कर रहे हो, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो आप भी सेम सिचुएशन में फंस सकते हो। एंड मैं अपने ऐसी एक्सपीरियंसेस, यूके के एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। सो सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।